तो दोस्तों आईपीएल 2021 के सीजन में बीसीसीआई 9 या फिर 10 टीमें लाने की पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। और दोस्तों इसी कड़ी में हम सभी क्रिकेट फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये चल रहा है कि आखिर कौन सी होने वाली है वह दो नई नई टीमें जो इस साल के आईपीएल में अपनी एंट्री ले सकती है। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इस समय के हिसाब से कौन सी लग रही है वह दो टीमें जो आईपीएल 2021 में अपनी एंट्री कर सकती है। आज तक की हर लेटेस्ट डिटेल दोस्तों हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि आईपीएल 2021 के सीजन में 9 या फिर 10 टीमें ही हो, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए। और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों इस समय के हिसाब से अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक दोस्तों जिन तीन टीम ओनर्स का इस समय सबसे ज्यादा नाम बाहर निकल कर आ रहा है, जो आईपीएल 2021 में अपनी फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिनका नाम सबसे टॉप पर नजर आ रहा है, वो दोस्तों कुल तीन ओनर्स है। सबसे पहले एक तो है अडानी ग्रुप, दूसरा है दोस्तों आरपीएसजी ग्रुप, तीसरे दोस्तों एक इंडिविजुअल ओनर है जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें अडानी ग्रुप के बारे में, तो दोस्तों अडानी ग्रुप पिछले साल के आईपीएल में भी टीम लेने के लिए इंटरेस्टेड था, लेकिन दोस्तों पिछले साल बीसीसीआई ने 9 या फिर 10 टीमें लाने के ऊपर कोई ज़्यादा विचार नहीं किया था, इसी वजह से उनको कोई फ्रेंचाइजी नहीं मिल पाई थी। लेकिन दोस्तों इस साल जब दोस्तों बीसीसीआई 9 या फिर 10 टीमें लाने के लिए पूरी तरह से इंटरेस्टेड है, तब दोस्तों फिर से अडानी ग्रुप का ही नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा है। अडानी ग्रुप दोस्तों इस साल अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी को आईपीएल में लाना चाहते हैं। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि अहमदाबाद में तो आप पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बन चुका है, इसी वजह से बीसीसीआई भी चाहती है कि मोटेरा स्टेडियम का एक होम स्टेडियम वाली एक फ्रेंचाइजी आईपीएल में ज़रूर हो। और दोस्तों इसी वजह से अडानी ग्रुप आईपीएल 2021 में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी लाना चाहता है। अब आगे इनको फ्रेंचाइजी मिलती है नहीं मिलती है वो आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों इस समय टीम खरीदने के कंटेंडर्स में अडानी ग्रुप का नाम बहुत ही ऊपर नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे टीम ओनर के बारे में, वो है दोस्तों आरपीएसजी ग्रुप। दोस्तों इस ग्रुप के बारे में शायद आपने पहले कभी सुना होगा। दोस्तों 2016 और 2017 में आरपीएस जो टीम थी, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, वो दोस्तों टीम आरपीएसजी ग्रुप की ही थी। इनके ओनर दोस्तों संजीव गोयनका है। दोस्तों ये इस साल दोबारा से आरपीएस टीम को वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब दोस्तों ये हर कोशिश कर रहे हैं जिससे दोस्तों वह आईपीएल 2021 में आरपीएस टीम की वापसी करा पाए। हालांकि दोस्तों इनके ऊपर भी बात यही है कि आगे जब सभी टीम ओनर्स भिड़ेंगे, इनको टीम मिलती है नहीं मिलती है वो तो दोस्तों हम आगे ही देखेंगे। लेकिन दोस्तों अडानी ग्रुप और साथ ही साथ ये आरपीएसजी ग्रुप, ये दो ग्रुप्स दोस्तों आईपीएल 2021 के लिए टीम्स लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। साथ ही दोस्तों जिस तीसरे इंडिविजुअल टीम ओनर के बारे में हम बात कर रहे थे, वो है दोस्तों एक मोहनलाल जी। दोस्तों जो आप में से जो साउथ इंडिया से है, शायद आप इनको जानते होंगे। दोस्तों ये साउथ इंडिया के जाने माने एक्टर है। साथ ही आपको बता दें कि आईपीएल 2020 के क्वालीफायर मुकाबले में भी मोहनलाल जी हमको वहाँ पर नज़र आए थे। दोस्तों यह भी आईपीएल 2021 के लिए टीम लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब ये दोस्तों कोई भी टीम ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कोई टीम का नाम नहीं आ रहा है सामने। लेकिन दोस्तों मोहनलाल जी भी आईपीएल 2021 में अपनी टीम लाने के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों इस समय के हिसाब से यही है वह तीन टीम ओनर्स जो आईपीएल 2021 में अपनी टीम लाना के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। साथ ही दोस्तों जो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, अगर दोस्तों दो नई टीमें आती है तो दोस्तों अडानी ग्रुप मुझे लगता है कि पक्का एक टीम ले जाएगा। अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी हम ज़रूर आईपीएल में देख सकते हैं। साथ ही आरपीएस टीम के भी आईपीएल 2021 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी दो नई टीम्स आईपीएल 2021 के सीज़न में होनी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।